हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप ऑप्शंस बाइंग में रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, यानी हमें ऑप्शंस बाइंग में रिस्क मैनेजमेंट को सीखना है। अगर आप ऑप्शंस बाइंग में रिस्क मैनेजमेंट को सीख लेंगे तो काफ़ी हद तक आप ऑप्शंस बाइंग से प्रॉफिट बना सकते हैं, नहीं तो ऑप्शंस बाइंग से प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, वहाँ पे आपके लॉसेस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए चलिए हम लोग सीखते हैं कि ऑप्शंस बाइंग में हम कैसे रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई करके अपने ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस बाइंग में रिस्क को मैनेज करना है तो कुछ पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा, और इन सब पॉइंट के ऊपर हम लाइव चार्ट पे आके डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आपको प्री प्लान्ड के साथ या प्री मार्केट व्यू बना के मार्केट में नहीं उतरना है। जैसे आज आपने सोच लिया कि हमें कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करना है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको प्री प्लान नहीं जाना या फिर पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करना ऐसा नहीं जाना। आप मार्केट की सिचुएशन को देखिए, कैंडल्स के स्ट्रेंथ को देखिए, प्राइस एक्शन को समझिए, वहाँ से क्या कुछ इंडिकेशन मिल रहा है, बायर्स में स्ट्रेंथ दिख रहा है तो हम कॉल ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर करेंगे, अगर हमें सेलर्स में स्ट्रेंथ दिख रहा है तो हम पुट ऑप्शंस को बाई करना प्रेफर करेंगे। पहले से हम माइंड मेकअप करके कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस बाई करने नहीं जाएंगे। अगर आप ये चीज़ करोगे, आप सही तरीके से रिस्क को मैनेज नहीं कर पाओगे, रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका ट्रेड नुकसान में जा सकता है। इसलिए हमें प्राइस एक्शन को समझते हुए, कैंडल्स के स्ट्रेंथ को देखते हुए, बायर्स और सेलर्स के स्ट्रेंथ को देखते हुए हमें मार्केट के व्यू को देखना है, और फिर वहां पे कॉल ऑप्शंस बाय करना या पुट ऑप्शंस बाय करना वो हमें समझना है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ कर लेना ट्रेड लेने से पहले, तभी हम देख पाएंगे कि हमारे लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है वो कहाँ पे और सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पे है। साथ ही साथ जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हम ड्रॉ करते हैं वो काफ़ी हद तक OHLC के बेसिस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी उसका ओपनिंग पॉइंट क्या है, हाइएस्ट पॉइंट क्या है, लोएस्ट पॉइंट क्या है और क्लोजिंग पॉइंट क्या है, इन सब के बेसिस पे भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन चार पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, और इसके बेसिस पे अगर आप ऑप्शंस बाइंग करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका रिस्क मैनेज रहेगा, आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं और ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो कैसे ये सारा काम कर सकते हैं इन चार पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, चलिए चार्ट पे चल के इसको हम और डिटेल तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए हैं, और देख सकते हैं ये जो चार्ट है आपका निफ्टी का चार्ट है और 5 मिनट का चार्ट है, यानी इसका इस्तेमाल आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कर सकते हैं, और टाइम फ्रेम चेंज करके आप इसका इस्तेमाल स्विंग ट्रेडिंग में या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आपको समझ लेना, इसके बेसिस पे आप ऑप्शंस बाइंग में आसानी से रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट पे आ गए, अब यहाँ पे हमें जो ट्रेड लेना वो 2nd of September को ट्रेड लेना है। तो इससे पहले हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास 1st of September का पूरा डेटा हमारे सामने अवेलेबल रहेगा। तो 1st of September को क्या हुआ, 1st of September की अगर हम बात करें तो प्राइस आपका गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर गया है और ये आपका एक हाई बना है, उसके बाद प्राइस नीचे आया और ये आपका एक लो बना है, लो और ओपनिंग पॉइंट लगभग बराबर ही है लेकिन लोएस्ट पॉइंट नीचे है। तो क्या करेंगे, हम लो को मार्क करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हाई को मार्क करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम देखेंगे कि 2nd of September को मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, इसके बीच में ओपन होता है, इसके ऊपर ओपन होता है या फिर इसके नीचे ओपन होता है। काफ़ी चांसेस है कि इसके बीच में ही ओपन हो सकता है, लेकिन हम तैयार रहेंगे, इसके नीचे भी ओपन हो सकता है और इसके ऊपर भी ओपन हो सकता है, कहीं भी ओपन हो सकता है। अब यहाँ पे 2nd of September को मार्केट ओपन होने का इंतजार करेंगे, और हमारे पास ये सारे डेटा पहले से अवेलेबल है। अब उम्मीद के अकॉर्डिंग क्या हुआ, मार्केट स्लाइटली आपका गैप अप ओपन हुआ है लेकिन इन दोनों लाइन के बीच में ही ओपन हुआ है, यानी जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है और जो हमारा लोएस्ट पॉइंट है इन दोनों के बीच में ही मार्केट ओपन हुआ है। अब मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, ये देखते हुए यहाँ पे हम कॉल ऑप्शंस बाइंग नहीं करेंगे, यानी हम प्री प्लांड होके मार्केट में नहीं आएंगे या फिर मार्केट ओपन होते ही मार्केट के सेंटिमेंट को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे मार्केट गैप अप ओपन होता है तो जनरल लोग का व्यव क्या रहता है कि मार्केट यहां से और ऊपर साइड की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा व्यव हमें नहीं बनाना। ऐसा व्यव अगर आप बनाएंगे तो आपका मार्केट में जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगा, फिर आप जो भी ट्रेड लोगे उसमें रिस्क को मैनेज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए हमें मार्केट के ओपन होते ही कोई
अपना ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाना है, हमें कोई ट्रेडिंग डिसीजंस नहीं लेना है, हमें प्राइस एक्शन को समझना है या फिर मार्केट ओपन होने से पहले भी हमें ये सारा ट्रेडिंग डिसीजंस नहीं लेना है कि मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है तो हम हमेशा पुट ऑप्शन से बाई करना प्रेफर करेंगे। तो मार्केट का सेंटिमेंट आपका लॉन्ग टर्म नेगेटिव रहता है, शॉर्ट टर्म नेगेटिव रहता है, इंट्राडे में पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए हमें प्री प्लान नहीं जाना है। अब एक और चीज़ हुआ है कि मार्केट इन दोनों लाइन के बीच में ओपन हुआ है। अब जैसे इसके बीच में ओपन हुआ जो ऊपर वाला लाइन है वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा रेसिस्टेंस लाइन, और नीचे वाला लाइन क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा सपोर्ट लाइन। इतना काम हम मार्केट ओपन होते ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और काम हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, इस रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक करते ही ऊपर निकल सकता है, या फिर इसको टच करते ही यहाँ से रिबाउंड ले सकता है। रेसिस्टेंस लेवल के पास जाके यही दो काम हो सकता है, और ये दो काम सपोर्ट लेवल के पास भी हो सकता है कि ये नीचे आए, सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे चला जाए, या फिर सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से वापस लौट जाए। तो अब हमें जो भी ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना है वो कहाँ पे तैयार करना है, आइदर रेजिस्टेंस लेवल के पास जब प्राइस आएगा तब, या फिर सपोर्ट लेवल के पास आएगा तब। यानी हम ऑप्शंस बाइंग कहाँ पे करेंगे, हम जो ऑप्शंस बाइंग करेंगे वो आपका सपोर्ट लेवल के पास करेंगे या फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास हम ऑप्शंस बाइंग करेंगे, इसके बीच में हम कहीं पे भी ऑप्शंस बाइंग नहीं करेंगे। अब आपको ये भी देखना है कि इसके बीच में कहीं पे भी जा सकता है, तो हमें पता नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और हमें यहाँ पे ज़्यादा एज्यूम भी नहीं करना, ज़्यादा प्रेडिक्ट भी नहीं करना, हमें ट्रेड लेना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे, क्योंकि हम ऑप्शंस बाइंग करें वहाँ पे रिस्क को हमें मैनेज करना है। तो हम इसको देखने देंगे कि प्राइस आइदर यहाँ पे जाएगा या फिर यहाँ पे आएगा तभी हम ट्रेड लेंगे। अगर इसके बीच में मूव करते रहता है तो हम सिंपल ट्रेडिंग को अवॉइड कर देंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो अब देखिए क्या हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट किया है, तो इसी के लिए मैंने बोला था कि अगर आप गैप अप देखते ही कॉल ऑप्शंस बाई कर लेते हो तो क्या होता, आप यहाँ पे ट्रैप में आसानी से फंस सकते थे, इसलिए आपको ये सारा काम नहीं करना। उसके बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ है, हमें जल्दबाजी भी नहीं करना है कि नीचे आना स्टार्ट हुआ तो हम पुट ऑप्शंस बाई कर ले, ऐसा गलती नहीं करना। फिर क्या हुआ, प्राइस आपका सपोर्ट लेवल के करीब आया, और जब ये सपोर्ट लेवल के करीब आया इसको हम क्लीन कर देना चाहेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन देखना, कैंडल के स्ट्रेंथ को देखना। तो उसके बाद यहाँ पे दो कैंडल लगभग आपका सेम लो बनाया, उसके बाद अगला दो कैंडल की बात करें तो नीचे में लॉन्ग टेल बनाया, और मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया कि जब भी कोई कैंडल लॉन्ग टेल बनाता है बॉटम में, दैट मीन्स टू ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो बायर्स है वो काफ़ी हद तक हमें स्ट्रांग दिख रहे हैं, यानी बायर्स का यहाँ पे डोमिनेंस काफ़ी हद तक ज़्यादा है। और ये हमें क्या डिनोट करता है कि अगर इसके बाद फॉलो अप बाइंग आया, फॉलो अप बायर्स एंट्री किए, तो यहाँ से प्राइस ऊपर साइड की तरफ जा सकता है। और ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, ये सारा काम सपोर्ट लेवल के पास हो रहा है जहाँ पे ऑलरेडी बायर्स का थोड़ा बहुत डोमिनेंस ज़्यादा हमें दिखता है। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, अब यहाँ पे भी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, फॉलो अप बाइंग आया तो इस लेवल के आसपास हम क्या करेंगे, बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे, ऑप्शंस में हम बाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पे एट द मनी क्या है, एट द मनी है 17,500, तो हम 17,500 के कॉल ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं, या नहीं तो 17,450, या नहीं तो 17,400, आइदर हम इन द मनी जाएंगे या फिर एट द मनी जाएंगे, इन्हीं सब कॉल ऑप्शंस को यहाँ पे हम बाई करना प्रेफर करेंगे। आपके पास जितना फंड है उसके हिसाब से कॉल ऑप्शंस बाई कर सकते हैं। अगर आपको 17,500 के कॉल ऑप्शंस बाई करने लाइक भी फंड नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं करना, आउट ऑफ द मनी में नहीं जाना है गलती से भी, एटलीस्ट इतना फंड है तभी ट्रेड कीजिए, नहीं है तो ऑप्शंस में ट्रेड मत कीजिए, ये क्लियर कट आपको समझ के चलना। उसके बाद हम यहाँ पे टारगेट प्राइस क्या रखेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमारा रिस्क मैनेज हुआ है कि नहीं हुआ वो भी हमें समझना। अब यहाँ पे हम 17,500 जो कि स्पॉट लेवल यहाँ पे बाई कर रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे बनेगा, 17,450, ये हमारा SL बनेगा, यानी जस्ट 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। और मिनिमम टारगेट प्राइस की अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है यहाँ तक हम आसानी से जा सकते हैं जहाँ पे कैंडल का बॉडी दिख रहा है, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर सेलर्स हावी है, इसको हम क्लेम करके आपको दिखाएंगे। और ये जो लेवल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 17,600 का, यानी SL 50 पॉइंट का है और टारगेट हमारा 100 पॉइंट का, यानी रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी हद तक हमारे फेवर में, जो कि मैं आपको सारे ट्रेड में फॉलो करने के लिए बोलता हूँ। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है, यहाँ पे हम आसानी से ट्रेड ले सकते हैं, हमने सारा कुछ रिस्क को मैनेज किया। अब यहाँ पे मार्केट हमें कभी भी शॉक नहीं दे सकता है, अब प्राइस नीचे आएगा तो हमारा SL हिट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, हमारे लिए कोई शॉक मार्केट जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे हमने पूरे प्लानिंग के साथ किया है। और अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो हमें क्या चाहिए, मार्केट मोमेंटम चाहिए।
अब सपोर्ट लेवल के पास आया और यहाँ से प्राइस ऊपर लौटा है, मोमेंटम हमें मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि प्राइस यहीं पे रुकता हुआ दिख जाएगा, आइदर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हमें मोमेंटम भी आसानी से मिल जाएगा। अब हम इस टारगेट पे इसके लिए क्यों जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, लॉन्ग टेल है, मतलब इसके ऊपर सेलर्स का डोमिनेंस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम आसानी से 17,600 के टारगेट पर इसके लिए जाएंगे। स्पॉट में 100 पॉइंट का मूव किया है तो आप एट द मनी या इन द मनी लेंगे तो वहाँ पे आसानी से 60-70 पॉइंट का मूवमेंट दे देगा और ये प्रॉफिट हम आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और इसके बेसिस पे ट्रेड लेके आप ऑप्शंस बाइंग में रिस्क मैनेजमेंट को भी सीख सकते हैं। तो आपको कुछ ब्रोकर के द्वारा भी हेल्प मिल जाएगा जिसके जरिए आप अपने ट्रेड में रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सीख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं आपको धन का एग्जांपल देना चाहूँगा। धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कुछ यूनिक फीचर्स दिए गए जिसके जरिए आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। तो अगर आपका ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट धन में है तो आपको माय प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। माय प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ट्रेड कंट्रोल्स दिखेगा। जब आप उस पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको अलर्ट ऑन ओवर ट्रेडिंग का SOS दिखेगा। तो जब आप इसको एक्टिवेट कर देंगे, डेली आप जितने भी ट्रेड लेते हैं उस क्वांटिटी को यहाँ पे आपको एंटर करना है और उस क्वांटिटी एंटर करने के बाद उस क्वांटिटी जैसे ही ज़्यादा आप ट्रेड लेंगे तो आपको SOS अलर्ट मिल जाएगा और वहाँ पे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में कई बार हम इमोशन के साथ बह जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम कितने ट्रेड ले लिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको SOS अलर्ट भी मिल जाएगा अगर आप हैवी लॉसेस करते हैं, तो आप यहाँ पे अपना लॉसेस का अमाउंट भी सेट कर सकते हैं। 1,000, 2,000, 10,000, 5,000 जो भी आपको सही लगता है आप वो अमाउंट सेट कर सकते हैं। जैसे ही उस अमाउंट का आपका लॉसेस हो जाएगा आपको SOS अलर्ट मिल जाएगा, आप अपना ट्रेड को वहीं पे बंद कर सकते हैं। ये सारे काफ़ी यूनिक फीचर्स दिए गए। इसके अलावा यहाँ पे आपका एक ट्रेड बॉडी का भी फीचर दिया गया है जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, आपके पार्टनर हो, पेरेंट्स हो, या फिर ब्रदर हो, या फिर फैमिली में से कोई भी हो, उनके जरिए आप अपने सारे ट्रेड डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। जो भी आप ट्रेड लेते हैं कितना लॉस या प्रॉफिट हो रहा है सारा डिटेल्स उनके साथ शेयर होगा और वो भी काफ़ी हद तक आपको मार्केट में ट्रेड लेने से कंट्रोल कर सकते हैं। कब आपको ट्रेड लेना, कब आपको ट्रेड नहीं लेना, उसके जरिए भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा एक और एडवांस फीचर दिए गए इसमें किल स्विच का। तो अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आप किल स्विच के जरिए उस दिन का सारा ट्रेड आप सिंगल बटन से खत्म कर सकते हैं। फिर अगर आपको यहाँ पे दोबारा ट्रेड लेना होगा तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपके जो ट्रेड बॉडी है उनके पास OTP जाएगा, उस OTP के जरिए आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और रिस्क को मैनेज करने में धन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपके पास धन का ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट है तो आसानी से ये सारा फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करके आप धन में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल को देखना चाहेंगे। अब यहाँ पे हम ट्रेड लेने जा रहे हैं 15th of September 2022 को। अब इससे पहले हमारे सामने 14th of September का डेटा आ जाएगा। अब इस दिन जिस प्राइस पे ओपन हुआ वही इसका लोएस्ट पॉइंट है, तो हम लोएस्ट पॉइंट को मार्क करके यहाँ पे हम अपना लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, इसको भी हम मार्क करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें देखना है कि प्राइस इसके बीच में ओपन होता है, ऊपर ओपन होता है या नीचे ओपन होता है, ये हमें समझना है। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस आपका गैप अप ओपन हुआ है। अब जैसे ही गैप ओपन हुआ है ये देख के हमें यहाँ पे भी कॉल ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर्ड नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी में ये सारा ट्रेड लेंगे तो आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप अपने ट्रेड से लॉसेस कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। इसलिए हमें प्राइस सेक्शन को समझना है और यहाँ पे हमें ट्रेड कब लेना, आइदर सपोर्ट लेवल के करीब आएगा तब या फिर रेजिस्टेंस लेवल के करीब आएगा तभी हम ट्रेड लेंगे। अब रेजिस्टेंस लेवल करीब आएगा तो क्या हो सकता है, इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से वापस नीचे लौट सकता है। सपोर्ट लेवल के करीब आएगा तो यही काम हो सकता है, इसको ब्रेक करके नीचे जा सकता है या फिर यहाँ से वापस लौट सकता है। तो दोनों कंडीशन में हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी मिलेगा, मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा और यही मोमेंटम हमें ऑप्शंस बाइंग में चाहिए जो कि हम आसानी से यहाँ पे मिलता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे प्राइस इसके करीब आएगा या फिर इसके करीब तभी हम ट्रेड लेंगे। उसके बाद प्राइस ऊपर गया और इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब आते ही जो बायर्स हैं क्या हुआ, वो यहाँ पे हमें कमज़ोर दिखने लग गए हैं। बायर्स में स्ट्रेंथ की कमी है, एज ए रिजल्ट यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो थोड़े थोड़े अपना डोमिनेंस दिखाने लग गए, सेलर्स थोड़े थोड़े यहाँ पे हमें स्ट्रांग दिखने लग गए। तो अभी भी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे कि फॉलोअप सेलर्स आते या नहीं आते, सेलर्स मार्केट को कंट्रोल करता है कि नहीं करता है, तो इसके लिए वेट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सेलर्स आए और यहाँ पे हमें पता चल गया कि मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में है और लगातार 3 कैंडल आपका रेट दिखा दिया, प्राइस आपका नीचे जाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, लगभग 18,050 के करीब हम अपना सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे और हमारे लिए छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, ये जो पॉइंट है
वो होगा हमारा लगभग 18,100 करीब, ये हमारा SL बनेगा। तो यहाँ पे जो हमारा SL है वो 50 पॉइंट का SL है। तो देख सकते हैं दोनों कंडीशंस में यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा काफ़ी छोटा सा बन रहा, यानी यहाँ पे हम काफ़ी हद तक अपने रिस्क को मैनेज कर पा रहे हैं इन सब पॉइंट को ध्यान देते हुए, क्योंकि यहाँ पे हम प्री कोई भी डिसीजंस लेके नहीं आए थे कि आज हमें कॉल ऑप्शंस बाय करना या फिर आज हमें पुट ऑप्शंस बाय करना, क्योंकि एक दिन पहले मार्केट आपका गैप डाउन लेके जबरदस्त अपसाइड मूव दिखाया था और हाई के करीब ही क्लोज दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अगले दिन कॉल ऑप्शंस ही बाइंग करना प्रेफर करना, हम मार्केट सिचुएशन को देखेंगे, कुछ भी ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ जाएंगे, मतलब अब यहाँ पे हमारे लिए स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन जरूरी है। तो यहाँ पे हम 18,100 के पुट ऑप्शंस को बाई करना प्रेफर करेंगे, या नहीं तो आप 18,050 के पुट ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं, या नहीं तो 18,150। इन तीनों में से किसी एक को ही आपको बाई करना है, यानी हमेशा आपको एट द मनी पे जाना है या फिर इन द मनी पे ही जाना है, गलती से भी आपको OTM पे नहीं जाना है। अगर आपके पास सफिशियंट पैसा नहीं है तो ऑप्शंस में ट्रेड मत कीजिए, यही एडवाइस है, अदरवाइज आपका रिस्क सही से मैनेज नहीं होगा और अपने ट्रेड को लॉसेस में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन हो गया, अब यहाँ पे हमें टारगेट प्राइस क्या सेट करना है। तो टारगेट प्राइस के लिए हम प्रीवियस स्विंग लो का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्विंग हाई का दे सकते हैं। तो पहला टारगेट प्राइस हमारा ये हो जाएगा, दूसरा टारगेट प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे करीब अच्छा खासा मार्केट रुका है, तो ये हम दूसरा टारगेट प्राइस ले सकते हैं। तीसरा टारगेट प्राइस जो हमारा लोएस्ट पॉइंट है, इसको हम तीसरा टारगेट प्राइस रख सकते हैं। तो इस लेवल से हम ग्रेजुअली अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे जो सेल किया था, स्पॉट की बात करें तो 18,050 करीब सेल किया था, और यहाँ पे हमारा जो लगभग टारगेट प्राइस आया 17,850 करीब आया, यानी स्पॉट में हमें लगभग 200 पॉइंट के करीब मिला है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में लगभग हमें 120 से 140 पॉइंट के करीब आसानी से मिल जाएगा। जो भी हम ऑप्शंस बाई करें, चाहे हम एट द मनी बाई करें या फिर इन द मनी बाई करें, इतना प्रॉफिट आसानी से मिलता हुआ दिख जाएगा। इस तरीके से हम रिस्क को मैनेज करके आसानी से ऑप्शंस बाइंग में प्रॉफिट बना सकते हैं। बस आपको जल्दबाजी नहीं करना है और ज़्यादा पेशेंसली वेट भी नहीं करना है, तो हम इसके जरिए ऑप्शंस को प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो कैसे हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं ऑप्शंस बाइंग में। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।